सुना है संदीप वांगा और सलमान खान की बात हो रही है संदीप के अगले फिल्म के लिए, विच वुड बी अ डार्क थ्रिलर। डार्क थ्रिलर, वैसे इन जनाब के नाम में रोशनी ही रोशनी है। संदीप, संदीप का मतलब होता है अ ब्राइटली लिट लैम्प, एक ऐसी चीज जो अंधेरे का विनाश करती है। लेकिन वांगा साहब का काम एकदम उल्टा वाला है। इन्होंने दो ऐसी मूवीज बनाई जो अंधेरे से भी ज्यादा काली है, जिसमें संदीप ने माँ बहनों की भी माँ बहन कर डाली है। आई वंडर इस बार सलमान खान के साथ संदीप के क्या खतरनाक प्लान्स है। कैन समवन टेल मिस्टर वांगा की लाइट एंजॉयबल फिल्म्स माइनस न्यूडिटी एंड मिसोजिनी भी हिट हो सकती है? नहीं, वांगा साहब नहीं बोल रहे, बोल रहे कि पगली लाइट हार्टेड मूवीज थोड़ी ना 900 करोड़ बनाएगी। राइट, ही इज एब्सोल्युटली राइट। लुक्स लाइक देयर इज नो प्लेस फॉर लाइट हार्टेड क्लीट फिल्म्स इन टुडेज टाइम्स। एक्चुअली हम सिर्फ संदीप वांगा को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? फॉरगेट द डायरेक्टर, व्हाट हैज हैपेंड टू द पीपल ऑफ आर कंट्री? संदीप ने दो टॉक्सिक मेल मूवीज बनाई और ताज्जुब की बात यह है कि दोनों हिट, मतलब दोनों। आप लड़की को गालियां दो, लड़की के जिस्म पे अश्लील कमेंट्स मारो, हीरो बनके उसको गुंडों से बचाओ और फिर घर ले जाकर खुद उसको पीटो, ऐसा करोगे तो समझो पिक्चर हिट। तो भैया पिक्चर को हिट कौन बनाता है? ऑडियंस ना। ऑडियंस अगर ऐसी बेहुदा फिल्म्स को रिजेक्ट कर ले तो क्या ऐसी फिल्म्स बनाने की किसी की हिम्मत होगी? रिजेक्ट करना छोड़ो, पिक्चर हाउसफुल पे हाउसफुल चलती है, 900 करोड़ बनाती है, वाह। तो द बॉटम लाइन इज दैट आवर बिलावड मिस्टर वांगा को हम कंप्लीटली ब्लेम नहीं कर सकते। इस अंधेरे को रोशनी देने वाले तो हम ही है ना, हम ही है जो हीरोइन का नंगा नाच देखते वक्त सीटी बजाते हैं, हम ही है जिनको आजकल फैमिली फिल्म, पेट्रियोटिक फिल्म पसंद नहीं, नहीं तो दुन की फाइटर जैसी फिल्म्स क्यों फ्लॉप होती, हम ही है जो अश्लीलता को देखकर सीटियां बजाते हैं, हमारा ही दिल मांगे मोर। सो संदीप इज प्रोवाइडिंग मोर, और चाहिए ना ये ले ये ले। इस बार तो भैया मैं सारी हदें पार करूंगा, रणबीर और शाहिद के बाप सलमान खान को लूंगा अपनी फिल्म में। तो चिंगारी को हवा किसने दी? हमने, हम लोगों ने। बस प्रे करो ये चिंगारी आग बनके आपके घर तक ना पहुंचे।